सोलहवीं विधानसभा के तमाम निर्वाचित विधायक जिन्होंने आज शपथ ली है, उन सबको हम लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आज राजस्थान का विधानसभा का यह जो पहला सत्र था, उसमें हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया है, अपना विरोध दर्ज कराया है। क्योंकि जिस प्रकार से देश में जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, 141 से अधिक सांसदों को केवल इस बात के लिए संसद से निकाल दिया गया कि उन्होंने ये पूछा कि जिस संसद जो हमारा पवित्र स्थान है, लोकतंत्र का पवित्र स्थान है, उसके ऊपर जो हमला हुआ, ये जो सुरक्षा में चूक हुई, इसके बारे में देश का गृह मंत्री 2 मिनट अपनी बात रखे कि ये कैसे हुआ और आगे से नहीं हो इसके लिए आपकी क्या व्यवस्थाएं। उनकी बात को सुनी नहीं जा रही है। सबको धड़ाधड़ जो भी खड़ा हो रहा है, वो सारे के सारे इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, उनको लोकसभा और राज्यसभा से निकाला जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये तानाशाह सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती है। संसद की सुरक्षा जैसे मुद्दे के ऊपर भी अगर वो बात नहीं सुनना चाहते, तो फिर लोगों की आवाज का क्या होगा। इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन करके इनको आगाह किया है कि ये लोकतंत्र की हत्या करना बंद करें। प्रजातांत्रिक तरीके से जो व्यक्ति अपनी बात कहता है, उसको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसकी बात को सुना जाए और सुनकर के जो समाधान हो सकता है सरकार से, वो किया जाए। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की सरकार, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत रखने में अपना महती भूमिका निभाएगी और लोगों की, राजस्थान के जनता की जो आम आवाम की जो आवाज है, उसको राजस्थान के इस पवित्र मंदिर में, राजस्थान की विधानसभा में बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये हम लोग आशा करते हैं। जैसा रवैया इनका चल रहा है, उससे हमें आशंका लग रही है कि जैसा देश की राज्यसभा और लोकसभा में हो रहा है, कहीं ऐसा का ऐसा राजस्थान की विधानसभा में नहीं होना लगे। लोगों की, जनता की, राजस्थान के जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सके, इसके लिए हम लोग प्रतिपक्ष की सशक्त भूमिका के लिए तैयार हैं।